चलिए शुरू करते हैं। साल पहुंच चुका है, साल पढ़ा चुके हैं, इसके बाद देखिए यूजर जो आप साल में ध्यान से आप समझिए। NaCl बोले तो साल ये है नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl यूज इन फूड, देखिए फूड में इन केमिकल्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कहाँ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जानते हैं ना, कपड़ा धोने वाले ब्रेकिंग, इसको क्या करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यही कहलाता है। अच्छा क्लोरीन HCl सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन ये दोनों एक ही है वॉशिंग सोडा समझे। एक होता है सोडा जो खाने वाला होता है, एक वॉशिंग सोडा भी होता है जिसे कपड़ा धोया जाता है, ठीक है। इसका यूज जो है वो साल्ट का यूज हम लोग इसमें करते हैं। दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आपका वॉशिंग पाउडर Na2CO3, ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला पेपर Na2CO3 लिखा रहेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर देखिए इज यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ, यही ना आपको बताया वॉशिंग सोडा। देखिए जो सोडियम कार्बोनेट है ना, इसको जो है सो क्या किया जाता है क्लॉथ को यानी कपड़े को साफ करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में इसी का यूज होता है। समझे किसका, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। तीसरा समझिए यहाँ से सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए एक है सोडियम कार्बोनेट का, दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से कपड़ा धोने में यूज होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट है क्या, इसको बेकिंग पाउडर कहा जाता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से ना धोबी जो होता है ना, अभी भी धोबी को कपड़ा दीजिएगा ना, वो क्या करता है पता है, बेकिंग सोडा में ही आपको कपड़ा को साफ करके दे देगा। कितना भी गंदा रहता है देखता है एकदम जो है चकाचक करके भेज देता हम लोग से जो कपड़ा साफ नहीं था, क्योंकि हम लोग जो डिटर्जेंट में साफ करते हैं सरफ में इसी में साफ कर देते हैं, और वो जो है तो बेकिंग पाउडर में डाल देता है समझे। मिलता है वो आराम से जो कपड़ा साफ करते हैं उसमें इतना देखते हैं दाग धब्बा रहता है हम लोग से नहीं निकलता है, और आप धोबी को दे दीजिए वो एकदम साफ सुथरा करके देते हैं, हमार पटका सबको ठीक करके दे देता है, आयरन तायरन करके देते हैं समझे। होता है क्या कि वो क्या डाल देता है पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देगा वो, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से साफ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट नहीं, वो जो समोसा लिट्टी हम लोग जो खाते हैं समझे, उसमें जो सोडा डाला जाता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट समझे, क्योंकि खाने में जो इस चीज का यूज किया जाता है समझे। दाल में डाल दीजिएगा दाल गल जाएगा, लोग जो देखता है ना कहीं चिकन मीट भी बना तो उसमें भी सोडा डाल देता है, क्योंकि जल्दी सिझाना रहता है समझे, तुरंत जो है तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है समझे। और एक हमारा जो है Na2CO3 जो है ये जो है तो आपको वॉशिंग के लिए समझे, कपड़ा साफ करें। सोडियम कार्बोनेट ध्यान से समझे, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट समझे। सोडियम कार्बोनेट का यूज जो है सो साफ करने के लिए यानी कि क्लीनिंग करने के लिए, क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ समझे, मैन्युफैक्चरिंग में ग्लास को बनाने में उसका यूज किया जाता है एकदम साफ करने में। और फिर आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका यूज जो है तो खाने में करता है समझे, खाने में करता है। मेडिसिन में देखिए इसका यूज करता है, तो मेडिसिन तो लोग खाता है ना, उसका यूज उसमें भी कर दिया जाता है, ठीक है। और भी ढेर सारे चीज़ें बेकिंग पाउडर भी मिलता है, बेकिंग पाउडर समझे। आपको जैसे कोई फंक्शन है आपके यहाँ तो आपको जो मिस्त्री आता है ना हलवाई, वो जो है सो लिख देगा हलवाई, उसको कहेगा लिस्टिंग बनाने का तो उसमें एक लिख देगा बेकिंग पाउडर समझे, बेकिंग पाउडर भी लिख देगा। आप बेकिंग पाउडर लिख देगा तुमको क्या रहता है, उसको क्या करेगा वो, क्या करता है किसी की चीज़ में सिझाने में जिसको जल्द जो मत कि नहीं गल रहा, जैसे दाल में डाल देगा थोड़ा समझे, लिट्टी समोसा जैसे उसमें डाल देता है बेकिंग पाउडर डाल देता, ताकि जो है एकदम अच्छा लगे खाने में सॉफ्ट लगे कौन है, इसमें जो है तो बेकिंग पाउडर डाल देता है जिसका यूज समझो खाने में यूज करते हैं। इसके बाद देखिए पोटास एलम, पोटास एलम फिटकरी को कहा जाता है, फिटकरी जानता है ना एक पत्थर टाइप का रहता है फिटकरी, उसको हाँ जैसे देखिएगा बार्बर के यहाँ बार्बर जानता है नाइट आपको शेविंग टेविंग कर देगा, आप जैसे हमको दाढ़ी है हम जो है शेविंग नहीं करवाते इसको सेटिंग करवा लेते, लेकिन कहीं से जो है ये जहाँ से वो शेविंग करता है उसमें लगा देगा आपको फिटकरी, फिटकरी लगाता है तो उसका यूज क्यों क्या होता है फिटकरी पता है, वो ब्लीडिंग को रोक देता है, नंबर एक ब्लीडिंग को रोकेगा। हम लिख दिए हैं ध्यान समझिए, देखिए प्यूरीफाइंग ऑफ वाटर, वाटर के प्यूरीफाइंग में भी उसका हेल्प लिया जाता है फिटकरी का, फिटकरी डाल दीजिएगा वाटर को जो है तो फिल्टर कर देगा। उसके बाद जो है टैनिंग और इसको देखिए टैनिंग क्या होता है पता है, फिटकरी डाल के ना लोग टैनिंग करता है, जैसे आपको बताते हैं चमड़ा जानता है ना स्किन जो होता है, जैसे देखता है लोग खांसी चिकन मटन खा लिया मटन और उसका स्किन रखेगा
और इसी जैसे तबला नाद ढोल बनाया जाता है समझे। तो क्या करते उसको पहले ट्रेनिंग किया जाता है, उसको जो है तो ये फिटकरी डालता है तो उसको साफ करेगा और साफ करके फिर उसको एकदम पूरी अच्छा से उसको स्प्रेड कर देगा फैला देगा और इसके बाद जो है ना उस पर चढ़ा जाता है ढोल पर, उसको टैनिंग कहा जाता है समझे। तो टैनिंग में फिटकरी का यूज करते हैं समझा। अब जैसे स्किन है तुम्हारा देख रहा है बकरी फंसी कर मारेगा उसका तो थोड़ी ना कोई स्किन लेके भाग जाता समझा, और उसको जो है सो साफ कर देगा समझे, इसी से फिटकरी से साफ कर देगा। आप जैसे शेविंग कर रहे हैं और कट लग गया है कहीं पर, कट लग गया और उसको क्या करिए रोकने के लिए आप उस पर नमक मारिएगा और करेगा आपको छटपटा के भागिएगा समझे। तो क्या करता है उस पर पता है फिटकरी लगा दिया था, फिटकरी का एक पत्थर टाइप से रहता है उसको आराम से धस देगा, कट उट लग गया तो उन ठीक कर देगा। स्टॉप ब्लीडिंग यानी कि खून के बहाव को रोकने में इसका हेल्प लिया जाता है ठीक है। इतना नोट करिए आगे बढ़ते सिल्वर नाइट्रेट यूज डेवलपिंग फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड एंटीसेप्टिक। देखिए एंटीसेप्टिक में फोटोग्राफिक प्लेट में ही किसका यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं समझे। ये सभी का सभी देखिए सॉल्ट नेचर का है, ये सब का यूज हमसे इतना चीज में करते हैं समझ में आ गया। बोरेक्स को हिंदी में सुहागा कहता है, सुना है ना सोने पे सुहागा, सुहागा यही होता है बोरेक्स वाला। बोरेक्स इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव, देखिए प्रिजर्वेटिव यानी कि सुरक्षित सुरक्षा के लिए, जैसे कि बोरेक्स सुहागा लोग कहता है समझे, उसका यूज जो है तो किसमें किया जाता है प्रिजर्वेशन में उसका यूज करते हैं समझे, इसलिए प्रिजर्वेटिव लिखते हैं। एक चीज और कॉपर का भी यूज जो है तो प्रिजर्वेटिव में करते हैं ध्यान से रखिएगा, और सोडियम बेंजोएट का यूज भी प्रिजर्वेटिव में करते हैं, इस सबसे क्या होता है प्रिजर्वेशन का काम होता है समझे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है ध्यान समझिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट, इसका यूज जो है सबसे किया जाता है बता रहा हूँ, हाथ टूट गया तो उस पर प्लास्टर जो कर दिया जाता है ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस समझे। कैल्शियम सल्फेट आपको क्या करेगा, जैसे देखिए ब्रोकन लिम्स जानता है अपर लिम्स लोअर लिम्स पढ़ाए हुए हैं, वीडियो भी आपको डाले हैं यूट्यूब पर, वीडियो भी है इसका। लिम्स अपर लिम्स दोनों हैंड से जुड़ा हुआ, लोअर लिम्स दोनों पैर से जुड़ा हुआ, तो जब हम लोग कहीं से गिरते हैं ज़्यादातर ना तो कॉमन है क्या कि हाथ पैर ही लोग को टूटता है। अब हराए से पाँच तल्ला पर से गिर जाइएगा तब आदमी बचेगा ही नहीं टूटेगा क्या समझे। तो लिम्स को जो टूटता है ना ध्यान में रखिएगा, हाँ लिम्स जो टूटता है तो उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, उसको जोर नहीं है ध्यान रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस समझे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उसका यूज किया जाता है इसको जोर नहीं, आपको क्या करेगा हड्डी टूट गया ऐसे करके फंसा हुआ है समझा, डॉक्टर क्या करता है आराम से उसको करके ला के सामने रख देता है और उस पर बैंडेज मार देगा मोटा सा ठीक है, खूब बैंडेज मार देगा हाथ में एकदम टाइट सा पकड़े रहेगा एकदम टाइट, और उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करेगा गोल बनाएगा उसको समझे हल्का सा, जिस तरह से नहीं रहता अब चूना टाइप से बना के उस पर जैसे अच्छा से लेप देगा और वो सेट जब हो जाता है समझे, सेट जब हो जाएगा तो इतना हार्ड हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इतना किसी को एक मारिए ना कपार फूट जाएगा समझे, इतना हार्ड होता है कौन सी कैल्शियम सल्फेट समझे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किसमें किया जाता है समझे, सेटिंग कास्ट प्लेस में प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जैसे कि घर में भी ना इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो करता है समझे, कास्ट प्लेस पर भी इसका यूज, और ब्रोकन लिम्स यही लिखे थे कि हाथ पैर अगर टूटेगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसको जोर दिया जाता है समझ आया। ये सब जो है सो साल्ट का यूज है, साल्टी नेचर का है समझ आया, ये सभी का सब जितना आठ स्टेप लिखा है समझे, साल्टी नेचर का क्या हुआ समझे, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज। चलिए बंद करिए और आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग
लिखा क्या बन गया आपका, सॉल्ट बन गया।